आज हम कर रहे हैं वीवो V15 प्रो LCD, नो LCD, ब्लैंक LCD का सोल्यूशन। वीवो V15 में एमलॉड LED है और इस फोन में ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट है कि ब्लैंक LCD आती है, नई LCD चेंज करने के बाद भी LCD नहीं आती है। मैक्सिमम तो इस फोन में जितने भी ये फॉल्ट अभी तक रिपेयर किए हैं सभी CPU रिबॉल करना पड़ता है, CPU से ही आता है। बट अदर आप वाटर डैमेज या किसी और केस में कोई कनेक्शन अगर फिजिकली डैमेज या ब्रेक होता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट जो हम चेक करेंगे हमारी जो इस नीचे से ये 4 पिन है, इस 4 पिन पे 1.8 वोल्ट है, जो 1.8 वोल्ट है ये हमारे पावर से आ रहा है, पावर से ये कैप है, इस कैप से होते हुए ये 1.8 वोल्ट आ रहा है। इसके अदर बाकी भी जितने भी पिन्स हैं आप इन पिन्स पे ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये सारी MIPI लाइन्स हैं और ये जो दो लाइन है ये CPU को जा रही हैं, डिस्प्ले अनेबल सिग्नल एंड I2C लाइन्स है। अगर इन पिन्स पे ग्राउंड रेजिस्टेंस नहीं आ रही है तो आपको CPU ही रिबॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने कनेक्शंस हैं ये डायरेक्ट बिना किसी कंपोनेंट के अगर हम देखें तो ये सभी के सभी कनेक्शंस, ये सभी लाइनें डायरेक्ट CPU में ही जा रही है। तो ये सभी लाइंस, सभी कनेक्शंस CPU में ही हैं। तो V15 Pro में अगर 1.8 वोल्ट एक लाइन मिस है तो पावर में जा रही है, इसके अगर बाकी सभी लाइन CPU में ही जा रही हैं और इस बोर्ड में CPU से प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है। आप बस ग्राउंड रेजिस्टेंस जैक पे चेक कर सकते हैं, अगर ग्राउंड रेजिस्टेंस ओके है, हमारा फोल्डर ओके है और नीचे ये स्ट्रिप लगा होता है बोर्ड टू डिस्प्ले पे, एक स्ट्रिप लगता है नीचे V15 Pro में, वो स्ट्रिप चेंज करके देख सकते हैं। अगर स्ट्रिप और डिस्प्ले हमारी कंफर्म है, ओके है और जैक पे अगर किसी पिन पे ग्राउंड रेजिस्टेंस मिस है, वैल्यू नहीं आ रही है, तो CPU ही रिबॉल करना पड़ेगा। ये हमारे किसी व्यूवर ने कमेंट करके हमसे मांगा था कि V15 Pro की LCD नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है इसके बाद वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको भी किसी प्रॉब्लम के लिए कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।